कैसे लोग यार, जरा शर्म नहीं है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे। This feels so good, just you and me. तूने अपना शैम्पू चेंज कराया क्या? हाँ, अच्छा नहीं है क्या? नहीं, it's nice, I like it. Oh, you like it. अच्छा रम्या, close your eyes ना। Why? Just do it. Why? I know you always wanted this. रम्या, रम्या। जल लीजिए। Are you okay? You always wanted this, right? I wanted this? When? Huh? This feels good का मतलब कड़ल करना होता है जूतिये, ना कि शादी करना। रम्या, are you okay? How can I be okay? Wait, वैसे इसमें प्रॉब्लम क्या है राम्या? Anyways, you love Rohan, right? Right? वैसे भी किसी रैंडम इंसान के साथ सेक्स करने से अच्छा है रोहन के साथ करना। कांग्रेस रोहन मेहता आपको ऑफिशियली कट चुका है। Yes! Yes? अभी तुमने प्रपोज किया ना? क्या अगर? अरे क्या अगर, कैसा अगर? I am sorry. No, 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 no. I love you. I love you. I love you too. Baby, now we are engaged. So, can we? हाँ माँ। क्या हाँ माँ? बाहर जाते हो तो घर वापस नहीं आना होता क्या? आ रही हूँ माँ, ये पूजा ने लेट कर दिया। क्या आ रही हूँ आ रही हूँ? तू ऐसा कर, पूजा के घर रह कर ना आरती कर ले, घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना 24 घंटे की नौकरानी, खाना बनाओ, कपड़े धो, बर्तन धो, झाड़ू पोछा लगाओ, तुम्हें क्या जरूरत है आने की घर? माँ यार आप ऐसे क्यों बोलते रहते हो? बाय तो बोल देते। यार रम्या, तूने अभी तक अपनी मम्मी को हमारे बारे में नहीं बताया क्या? बता दूंगी यार। कब? यार उनको पता तो है हम दोनों दोस्त हैं। हाँ पता है, बट ऐसे सडनली शादी के लिए बोलूंगी तो उन्हें लगेगा ना तेरे इरादे गलत है। ऑल्दो अभी भी यही लगता है। यार शादी करना कब से गलत इंटेंशंस हो गई। आई नो बाबा, जस्ट किडिंग। आई नो शी वोंट माइंड। एनीवेज मेरी लाइफ है, मान जाएगी। आई गेस मान जाएगी। 9 बज गए राम्या, सूरज ना सर पे चढ़ के आ गया और ये लड़की अभी तक उठी नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है पर जब तक मार नहीं खाएगी ना तब तक सुधरेगी नहीं। हाँ, चप्पल खाएगी, डंडा खाएगी। और जल्दी से कमरा साफ। चाहे तू नहा ले। हाँ। कैसे नहा ली? I mean, इतना जल्दी कैसे? मम्मी आप ये सब छोड़ो, पहले चाय पी। चाय तूने बनाई है? I can't believe it. हाँ हाँ थोड़ी बेकार है, कल अच्छी बन जाएगी, डोंट वरी। कभी तू बनाएगी चाय? सच में? तू ठीक तो है ना? हाँ? देखो मम्मी, चेक करो तो जरा। पैसे चाहिए तुझे? नहीं। कुछ तोड़ा तूने? कुछ नहीं। और ट्रिप के लिए तो तुझे मैं बिल्कुल अलाउड नहीं करूँगी, मैं बता रही हूँ तुझे। हाँ ना, वैसे भी मुझे कहीं नहीं जाना। कुछ ना कुछ तो बात है, हैं? क्या छुपा रही है? रोहन, वो ड्रॉप आउट, उससे शादी करेगी तू? हाय हाय, ची 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 ची। What's wrong with you, baby? मम्मी प्लीज यार, I love रोहन। और वैसे भी मुझे यार अरेंज मैरिज नहीं करनी। अरे ये शादी ना एक ही टाइप की होती है, बस शादी करो, बच्चे करो और बस फिर लव ही लव करते रहो, सारी उम्र लव करो भाई, इसमें दिक्कत ही क्या है? तुम भी खुश, हम भी खुश। मम्मी आप खुश और आप ही खुश। मैं तुझे बता रही हूँ, ये लव मैरिज और फब मैरिज ना एक ट्रेंड ही होता है। यार आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें करती हूँ मैं तो। आप खुद सोचो, आप एक ऐसे इंसान के साथ सेक्स करो, मतलब रह रहे हो जिसे आप जानते तक नहीं हो। तो रही थी ना, सेक्स भी किया तेरे पापा वर्मा जी के साथ। क्या यार मम्मी, देख कितने गंदे टमाटर काट रही है और कहती है लव मैरिज करेंगी मम्मी, लव मैरिज करेंगी। टमाटर काटने आते नहीं है, लव मैरिज करेंगी। यार मैंने बोला था ना कि बता दे, पर नहीं, बात ही नहीं माननी तेरे को। और उससे क्या होता, आज की जगह पहले रिजेक्ट हो जाता। यार मैं सोच रहा हूँ कि इसकी माँ को लव मैरिज से प्रॉब्लम है या तेरी गंदी शक्ल से? तेरी गंदी शक्ल से तो मुझे भी है। बेबी लव मैरिज से भी लव मैरिज। ओ शिट, तुम लोगों को जाना पड़ेगा। यार ऐसे तो मत बोल अब। अरे हाँ यार, तुम लोगों को जाना पड़ेगा, प्लीज जाओ। अबे पर क्यों? अभी तो कुछ खाया भी नहीं हम लोगों ने। अरे अंश, अगर मुझसे प्यार करती है ना तो मुझे यहाँ पर जरूर रोकेगी। यहाँ लाइफ 20 हो रही है और इसे डीडीएलजे की पड़ी हुई है। पागल है क्या? I'm sorry guys, I'm just way too pissed off। मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ किसी लड़के से मिलने भेजा है। क्या? तूने हम दोनों को इतनी दूर से यहाँ पर ये बताने के लिए बुलाया? बताओ। वेरी बैड। हाँ वेरी बैड भाई, मैं होता तो बिल्कुल नहीं झेलता। नहीं, और वो यहाँ पर करने क्या रहा है? और अभी क्यों बता रही है? शादी का कार्ड देके इनविटेशन देती ना मेरे को, सरप्राइज कर देती। ऐसा हो गया तेरा? अरे तू समझा ना इसे कुछ। हाँ मैं सोच रहा हूँ। क्या? बच्चो सोचने तो दे, मेरे पास प्लान भी है। तो प्लान ए क्या था? प्लान ए कि प्लान बी को फॉलो करो। एक काम कर, तू निकल यहाँ से। ए क्या बोले जा रहा है? अरे मेरा मतलब भाभी जी आप जाओ, हम प्लान भी देखते हैं, हमारे पास है ना, हम देखते हैं, संभालते हैं। आप जाइए। बीबी तुम जाओ, हम देख लेंगे। अरे जाओ ना। ओए समझे अबे भाई क्या है ये? अब भोसड़ी के बोले क्यों है ये? अब ओ हाँ तू, ओ सफेद कपड़ा। अबे तेरे से ही बात हो रही है जरा। देख तेरे लिए कॉफी मंगाई है, ठंडी कर दी है तूने। आप दोनों में से तो रम्या जी कोई नहीं लग रहा, आप उन दोनों के भाई हैं। अबे ओ भोसड़ी के भाई होगा तू, तेरा बाप, तेरा खानदान। भाई की बंदी है वो, थोड़ा इज्जत से बोल। अच्छा समझ गए। बड़ा स्मार्ट है, मैंने कहा था ना मुझे लग रहा था बहुत स्मार्ट है। चला जा। मुझे भी लग रहा था भाई बहुत स्मार्ट है। और सुन, जो गंदी शक्ल लेकर यहाँ पर आया ना, उसी गंदी शक्ल से इस रिश्ते के लिए मना कर दे, समझा? तो अब जा, गरम है, जल्दी पी, मार के पियो और हम चल रहे हैं। मना कर दिया? हम नहीं करेंगे मना। हैं? क्या कह रहे हैं? हम नहीं करेंगे मना। आपको कोई आइडिया कितनी मुश्किल से रिश्ता तय हुआ है, और आज तक हमारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है। गर्लफ्रेंड हमारी तो कोई महिला मित्र भी नहीं रही है। भाई तू वर्जिन है ना? हाँ तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी है हमारे पास। देखते हैं सरकारी नौकरी वाले बंदे हम लोगों के, तो शादी ये लोग कर लेते हैं। अबे बता रहा हूँ भाई, तू नहीं संभाल पाएगा उसको, ये कई सालों से रह रहा है उसके साथ, इसलिए संभाल पा रहा, तू नहीं संभाल पाएगा, समझ रहा तू? क्यों? अबे क्यों नहीं ये पूछ, किस लिए? अबे क्या नहीं करती हो? दिन रात नशे करती है छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती है और ये डे नाइट जब देखो पार्टी पड़ी रहती है। तीन चार बॉयफ्रेंड पाल लेगा उसने, जिसमें से चूतिया भी है। मुझे भी उसने ऑफर किया था लेकिन मैंने मना कर दिया था उसको। कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। हम भी उनके साथ पार्टी में चले जाएंगे, ऑरेंज जूस लेके हम भी चेयर्स कर देंगे, लेकिन शादी के लिए मना नहीं करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी तो चरम सुख चाहिए। अरे सुना बहन के लोने। हाँ भाई समझ रहा हूँ, तू खुले विचारों का है, तुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरे घर पे कोई तो होगा जो जिसको दिक्कत हो। घर में माँ बहन हो, कोई माँ बहन कोई तो होगा। हाँ अम्मा को होगी प्रॉब्लम पर। अबे पारेवाल लाके परी बनाया गया भाई। अम्मा के सामने क्या है कल की लड़की? क्या है कल की लड़की है? क्या है लड़की है ये माँ के सामने? अबे तू वो सब छोड़, तेरे पास तेरी अम्मा की फोटो है क्या? हाँ अम्मा की फोटो तो हमेशा रखते हैं हम। मेला में खिंचवाए थे। अब देख कौन किसको चूज करेगा ना? आपके फोन में रम्या जी की फोटो। अबे रम्या जी को छोड़, ये देख तेरी माँ जैसे तो पाल पोस के इतना बड़ा गंद खड़ा कर दिया। उसको चूज करेगा कि कल की आई लड़की रम्या को? बता। अम्मा 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 रम्या। अरे सुना भौसड़ी के, अभी तो तू सिर्फ वर्जिन है। अगर तूने इस रिश्ते के लिए मना नहीं करा ना तो तेरी गांड अलग से तोड़ूंगा और तेरे को बाप बनने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा क्या? आप हमें धमकी दे रहे हैं? हाँ दे रहा हूँ, क्या कुहाड़ लेगा? तो हम भी अम्मा को फोन करके बोल देंगे She is not worth it. अम्मा अच्छा कॉफी भी ठंडी कर दी। अच्छा हाँ जी। क्या हुआ मम्मी? किसका फोन था? तू कहाँ से आ रही है? मैं अपने कमरे से, और कहाँ से आऊंगी? अच्छा अरे पता नहीं, वो विजय की अम्मा का फ़ोन आया था तो वो कह रही थी कि विजय रिश्ते के लिए मना कर रहा है। बढ़िया। अम्मी क्यों, क्या हो गया एकदम से? अरे पता नहीं, कह रहे थे कि लड़की ना तो पार्टी शादी करती है ना शराब पीती है। बताओ हाल देखो लोगों का। हाँ और ये भी बोल रहे थे कि शी इज नॉट वर्थ इट। क्या? हाँ उन्होंने ये बोला शी इज नॉट वर्थ इट? देख ना आजकल के बच्चों को भी पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ मम्मी मैं भी तो यही बोल रही हूँ। अब खुद सोचो ना, जैसे लव मैरिज इसमें कोई गारंटी नहीं होती, वैसे अरेंज मैरिज में भी अनसर्टेनिटीज होती है ना। मम्मी एक बार तो रोहन से मिल लो ना। फिर से रोहन के नाम की माला जपने लगी? तो एक बार तो मिल लो यार, I love him so much. मैंने भी तो उसको चांस दिया था ना। क्या है वो अजय? विजय। हाँ वही विजय, एक बार मिल लो ना यार प्लीज, एक बार। घर की बुढ़ा ये तेरी उम्र से ज्यादा छोटा नहीं हो गया? यार पापा बेटा। अरे नमस्ते आंटी जी। ये मेरे डैड अभिलाष मेहता। पापा मैं स्वीटी मेहता वर्मा। मैं स्वीटी वर्मा। आपकी वाइफ नहीं आई क्या? एक्चुअली शी पास्ड अवे लॉन्ग टाइम बैक। ओ वेरी सैड। बहुत दुख लगा सुनकर। आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। आप आइए ना अंदर, आइए। हाँ तो स्वीटी जी कुछ बड़ों वाली बातें कर लें। हाँ क्यों नहीं, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मेरा मतलब था कुछ लेने देने की बात कर लें। हाँ लीजिए ना, लीजिए तरबूज लीजिए। ये दो बेटा पापा को। अरे नहीं, मैं डॉरी की बात कर रहा था, डॉरी देने की। डॉरी? जी मतलब दहेज? जी। वो तो नहीं हो पाएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट स्वीटी जी, फिर ये रिश्ता भी नहीं हो पाएगा। है यार पापा, हम यहाँ पर शादी करने आए थे, अब मेरा ब्रेकअप करा रहे हो डॉरी के लिए? मना कर रहे हो अंकल जी। रोहन इतना भी हैंडसम नहीं है तो मैं इसके पैसे दूं? यार पापा 2 मिनट चुप बैठो ना। और यार इतना भी बुरा नहीं दिखता यार मैं। पागल हो गया तुम? मुझे क्यों चुप करा रहा है? उनको समझाना। बहन चोर 2 मिनट चुप बैठेगी तभी तो अपने बाप को समझाऊंगा ना मैं। बहन जो, अबे तू बहन जो, तेरा बाप बहन जो, तेरा मुंह बहन जो। मुझे तो शादी करनी नहीं थी, मुझे सबको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए कर रही हूँ। और अब इस बात के मैं तुझे पैसे दूं। तुझे शादी नहीं करनी थी। अबे भाई पागल हो गई है क्या? चूती है बहन लौड़ी। नहीं मेरा मतलब सुन यार रम्या, मेरी बात सुन यार, मेरी बात सुन यार रम्या। घर की बुढ़ा खाना बनाओ, कपड़े धो, बर्तन धो, झाड़ू पोछा लगाओ, तुम्हें क्या जरूरत है आने की? घर तो स्वीटी जी कॉफी पीने चलें? आपको तो पता है मैं कॉफी नहीं, मैं चाय पीती हूँ। आज से मैं भी कॉफी नहीं पीता। पक्का? जी। तो चल, मेरे पास प्लान भी है। मैं कह रही हूँ आपको ये सब ना सही नहीं हो रहा है, और वो विजय की अम्मा ने भी रिश्ते के लिए मना कर दिया। आप चिंता मत करिए स्वीटी जी, मेरे पास प्लान ए है। मैं डॉरी की बात कर रहा था, डॉरी देने की। अच्छा 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 ठीक है। हाँ जी मम्मी। हाँ जी क्या हुआ? किसका फोन था? चलें स्वीटी वर्मा जी, स्वीटी मेहता जी। चलेगा चलेगा। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? मम्मी नहीं मानेगी। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करे, कमेंट करे एंड शेयर करे। और ये प्रियंका की पहली स्क्रिप्ट है, तो प्रियंका कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमें बात तो कंप्लीट करने दो मेरे को। हाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी हमारी मिनी वेब सीरीज आने वाली है परफेक्ट डेट, उसे भी देखिए। हाँ ठीक है। और नीचे जाओ, लिंक दिया हुआ है हमारे इंस्टाग्राम का @LKK Originals, उसको जाके फॉलो करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे।